पहली बार उनके लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना बनाई, पक्का घर, घर पर नल से जल, गैस कनेक्शन, ये कभी गरीब के लिए तो सपना होता था, आज वो हकीकत बन रहा है। जब ऐसे काम होते हैं तभी लोग कहते हैं, जब ऐसे काम होते हैं तभी लोग कहते हैं कि जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मेरे नौजवान साथियों, आपका ये उत्साह, आपका उमंग, आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर, मैं आपका ये प्यार कभी भूल नहीं सकता हूं। आपका ये जोश मुझे भी काम करने की प्रेरणा देता है। साथियों, मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं, बताऊं? याद होगे, ये आपके फायदे वाली है, फायदा उठाओगे? देखिए, उड़ीसा तो हमारा भगवान सूर्यदेव की भूमि है। सूर्यदेव की प्रेरणा से ही मोदी ने देश को एक और गारंटी दी है। सुनिए, ये आपके काम की बात लेके आया हूं, और मोदी की गारंटी है मुफ्त बिजली देने की, जीरो बिल। और घर में मुफ्त बिजली तो आएगी, लेकिन ज्यादा बिजली पैदा होने पर बेच करके कमाई भी होगी। भाजपा सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बनाई है। घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। हर परिवार अपनी जरूरत पूरी करके अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच भी सकेगा। यही नहीं, हम किसानों को, अन्नदाता को भी ऊर्जादाता बना रहे हैं। वे भी खेत की मेड पर या खाली जमीन पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। साथियों, मोदी भारत को विकसित बनाने का संकल्प ले रहा है, ताकि देश का हर परिवार, हर नौजवान का भविष्य समृद्ध हो। साथियों, आपका
आपका जोश मुझे मंजूर है, अब आप इससे आगे तो आ नहीं सकते हो, आपका इतना उत्साह है, इतना जोश है कि यहां छोड़ो दिल्ली में कुछ लोगों की नींद खराब हो जाती है। आपके प्यार का कोई जवाब नहीं है दोस्तों, मेरे पास आपके उत्साह के लिए धन्यवाद कहने के लिए शब्द भी छोटे पड़ रहे हैं। साथियों, ये भगवान जगन्नाथ की कृपा के बिना इतना प्यार किसी इंसान को नहीं मिल सकता। ये भगवान जगन्नाथ की कृपा है कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। साथियों, हमने मुफ्त राशन वाली योजना, यहां जो मेरे गरीब परिवार के भाई बहन हैं, मोदी जो मुफ्त राशन भेजता है वो मिलता है ना? मुफ्त राशन मिलता है ना? समय पर मिलता है ना? अच्छी क्वालिटी का मिलता है ना? गरीब का पेट भरता है कि नहीं भरता है? गरीब के घर का चूल्हा जलता है कि नहीं जलता है? और इसीलिए मोदी को आशीर्वाद मिलता है, और इसलिए मोदी ने कहा है ये गरीब को राशन वाली योजना अगले 5 साल के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी। साथियों, हम हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए भी तेजी से काम कर रहे हैं। हम गांव गांव में महिला स्वयं सहायता समूहों को मदद दे रहे हैं ताकि हमारी बहनें लखपति दीदी बने, लखपति दीदी। मैं देश भर में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहा हूं। गांव गांव लखपति दीदी बनेगी। लेकिन साथियों, इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारियों को ये पसंद नहीं आ रहा। इन लोगों के पास हमारे संकल्पों, हमारी सिद्धियां, हमारी नीति, हमारी निष्ठा के जवाब में कुछ नहीं है। इसलिए इंडी गठबंधन के लोगों ने अब मोदी पर हमले और बढ़ा दिए हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी का परिवार नहीं है। और कह रहे हैं इसलिए मोदी को हटाना है। इंडी गठबंधन के ये परिवारवादी कहते हैं कि इनकी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। अगर ये वाकई विचारधारा की लड़ाई है तो इंडी गठबंधन वाले जरा कान खोल करके सुन लो, पैर जमीन पर आ जाएंगे। आपकी विचारधारा
इंडिया अलायंस की विचारधारा फैमिली फर्स्ट है, परिवार प्रथम है, मोदी की विचारधारा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। ये लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए ही जीते हैं और मोदी भारत के हर परिवार के लिए खटता है, खपता है। ये परिवारवादी अपने बेटे बेटियों, नाती पोतों, भाई भतीजों, उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर की सोचते हैं।